कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जारिया खान और आप देख रहे हैं खेलो आजादी से। नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मेहमान से गपशप लगाने के लिए, एक ऐसे नौजवान के साथ जो मार्केटिंग की फर्म में भी उन्होंने काम किया, पाकिस्तान रेडियो के लिए भी उन्होंने काम किया और आजकल तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के राइट हैंड भी बने हुए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फैसल जावेद की। चलते हैं, करते हैं उनके साथ कुछ बातें और जानते हैं केपीएल के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। पर अच्छा ये बताइए, अम्मा अब्बा के कैसे बच्चे थे आप बचपन में, कुछ बचपन के बारे में तो बताइए। नॉर्मल था, मतलब शरारती नहीं था। अम्मी कहती थी कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा ही होगा। सही कहती थी वो? हाँ, मेरा ख्याल है ठीक ही कहती थी। बचपन में ठीक थे हम। बचपन में ठीक थे आप? टीचर से कभी पिटाई लगी? हाँ जी बिल्कुल। देखिए उस वक्त तो टीचर्स काफ़ी ज़्यादा, आपको पता ही होगा, लेकिन आजकल तो टीचर्स उतनी सख्ती नहीं करते हैं, लेकिन एक दो बार मार पड़ी भी है। फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता था बचपन में? पाक स्टडीज। पाक स्टडीज हमेशा से। और आजकल? पाक स्टडीज। पाक स्टडीज। अम्मा अब्बा के वॉलेट में से कभी पैसे निकाले? नहीं, कभी भी नहीं। कब तक भी नहीं निकाले? जब ईदी मिलती थी तो कहाँ स्पेंड करते थे, क्या करते थे? ईदी मिलती थी तो मैं तो ज़्यादातर मैगजीन्स खरीदता था या किताबें खरीदता। अच्छा। था हाँ, मेरी बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी मेरी। अच्छा। तो शुरू से बचपन से शौक था और बस वो किताबें वगैरह खरीदता था मैं। बचपन का कोई दोस्त है जो आज तक अभी साथ हो? बचपन के दोस्त हैं साथ, कजन्स ज़्यादा, जो क्लोज कजन्स हैं ना वही दोस्त ज़्यादा बने, वो अभी तक साथ ही हैं, अभी तक मिलते हैं हम। कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी ऐसी जो ख्वाहिश हो कि मैं वहाँ पढ़ता तो ज़्यादा अच्छा होता? ना ना ना, ये वाला काश वाला काम नहीं है इसमें। कोई ऐसा एडवेंचर किया लाइफ में कि बस दिल जाए कि ये दोबारा करूँगा ज़रूर? एडवेंचर यस, एक किया है और दिल चाहता है दोबारा करें, वो है 126 दिन का धरना जो इमरान खान साहब ने दिया था। वो एक एडवेंचर से कम थोड़ी था, वो जो शेलिंग फायरिंग हो रही थी एक रात 31 तारीख की जो रात थी, वो बहुत बड़ा एडवेंचर था वाकई में। बनियन ट्री की क्या स्टोरी है, क्या याद है? आपको कैसे पता? बस हमें सब पता होता है, आप बताइए। बड़ी रिसर्च की है आपने। बहुत रिसर्च की है हमने आप पे। बनियन ट्री मेरी लाइफ में एक बड़ी अहमियत रखता है, और क्योंकि बचपन में हमारे घर के जहाँ पे हम रहते थे नाना के घर, उसके पीछे ही बनियन ट्री था, इधर ये मार्गला के अंदर ही। वो बनियन ट्री पे मैं जाता था, बैठता था वहाँ पे, तो और बचपन की यादें हैं उससे। फिर बाद में वो बनियन ट्री का काट दिया गया था। अच्छा। तो वो ख़त्म हो गया, फाउंडेशन ही ख़त्म। लॉकडाउन में क्या मसरूफियत रही है, आजकल भी देखें क्या जो सिचुएशन चल रही है मुल्क में? बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, मतलब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हुई है। लेकिन ख़ास तौर पे जहाँ दुनिया की पूरी इकॉनमी बैठ गई, पाकिस्तान की इकॉनमी बैठना तो दूर की बात, पाकिस्तान की इकॉनमी तेज़ी से ऊपर गई है और ये दुनिया में एक सक्सेस स्टोरी बनी है। बाकी यह है कि यस, अगर आप मेरे हवाले से पूछ रही हैं तो जो भी SOPs थे वो फॉलो करते हुए कोशिश की, और इसीलिए ज़्यादातर इंटरव्यूज आउटडोर ही में हुए। तो आपने भी अच्छा किया कि आउटडोर में ही इंटरव्यू कर रही हैं। लॉकडाउन का क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आपने देखा कि ये पॉजिटिविटी आई है? देखिए लॉकडाउन तो पाकिस्तान में लगा ही नहीं ना। पाकिस्तान ने एक इमरान खान साहब ने एक स्मार्ट लॉकडाउन लेकर के आए हैं। इंडिया में कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन लगा, वहाँ के देखिए हालात बहुत बुरे हुए, उधर गुर्बत भी बहुत बड़ी और लोगों का उनकी इकॉनमी जो है वो श्रिंक कर गई। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी, अल्लाह का खास करम रहा और इमरान खान साहब की बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी रही कि स्मार्ट लॉकडाउन, साथ में कोरोना पे भी काबू पाया और अफलास और गुर्बत पर भी काबू पाया, और फिर इसी बीच हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ऊपर गई हैं, रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा, हमारी जो हर लिहाज से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कमाल के रहे हैं, तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट बनी दुनिया में कोरोना के बीच ही। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी जो हिकमत अमली थी अल्लाह ताला के करम की वजह से पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खाने में क्या पसंद है, क्या शौक है? खाने में तली हुई फिश, वो भी देसी वाली, ये जो दरिया की मछली होती है। अच्छा। समंदर की नहीं, जिस तरह से रोहू है, माशेर है, चाइना फिश है, आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जिस फिश में कांटे ज्यादा होते हैं उसका जायका अच्छा होता है। अच्छा। खुद से करते हैं कुकिंग? नहीं, आती नहीं है, किचन नो गो एरिया, नहीं समझ है कि कुकिंग कैसे करते हैं। अगर आपको कोई एक डिश लाइफ टाइम खानी पड़े कौन सी खाएंगे?
फिश के अलावा क्या लाइफ टाइम? लाइफ टाइम यानी कि बस यही डिश है, बस यही खानी है सारी जिंदगी? वो तो कोई भी बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसी। देखिए पसंद का अगर आप पूछ रही हैं दूसरी डिश मुझे कौन सी पसंद है तो अरवियां गोश्त। अरवी गोश्त सही। पहली बार जब इमरान खान को इंट्रोड्यूस कराया था आपने, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी? बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग्स थी, क्योंकि बड़ा अच्छा सवाल है, ये किसी ने पूछा मेरे से आज तक। लेकिन ये है कि वो एक जगह पे जलसा हो रहा था तो मैंने इमरान खान साहब से कहा कि मैं करना चाहता हूँ ये, आपको बुलाना चाहता हूँ। तो उन्हें भी तो नहीं पता था कि ये क्या क्या कैसे बुलाएगा क्या करेगा। लेकिन जब मैं आया माइक पर, मैंने जब क्राउड सामने देखा और जब मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे एक क्राउड के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जोश और जुनून जो है उससे मुझे बहुत इनक्रेजमेंट मिली। तो वह अमेजिंग फीलिंग थी। फिर जिस अंदाज में इमरान खान साहब को मैंने बुलाया हुआ, मैं मुख्तलिफ़ बिल्डअप्स थे उसके, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बिल्डअप रखता था, तो वो पहली दफ़ा थी तो गलतियाँ भी होती हैं इंसान से। लेकिन ये है कि वो मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ा मौका था। बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर कौन सा है पीटीआई में आपकी नज़र में? इमरान इस्माइल हैं। फिर जायद काज़मी, जायद काज़मी के वैसे इमरान इस्माइल से ज़्यादा जायद काज़मी मैं कहूँगा। जायद काज़मी के सेंस ऑफ ह्यूमर को पीटीआई में कोई बीट नहीं कर सकता। सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कौन सा लगता है? क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट मैंने देखे, क्रिकेट से खेला भी हूँ, कॉलेज में भी खेला हूँ, मैं कैप्टन भी था। लेकिन खेलने से ज़्यादा मुझे क्रिकेट कमेंट्री का शौक था। मैंने कॉलेज में भी क्रिकेट कमेंट्री की, फिर रेडियो पे भी क्रिकेट कमेंट्री की, फिर कभी कभी टाइम मिलता है तो पीएसएल में मैं करता हूँ। अब केपीएल में आप अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कमेंट्री करूँगा, शौक से करूँगा। मुझे क्रिकेट कमेंट्री का बहुत शौक था। और बिल लॉरी, टोनी ग्रेग, इयान चैपल, ये जो जब आई थी कैरी पैकर सीरीज़ तो साथ में एक चैनल 9 उन्हीं का था, चैनल 9 ऑस्ट्रेलिया का चैनल था जहाँ से क्रिकेट जो है उस पर कॉमेंट्री होती थी और कोई भी टीमें खेल रही होती थी, मैं वो चैनल ज़रूर देखता था और ये आवाज़ें सुनता था। इन आवाज़ों ने मुझे इंस्पायर किया और मैंने फिर रेडियो पे क्रिकेट कॉमेंट्री शुरू कर दी। तो फिर चलते हैं हमारे एक सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर। बताइए स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स? Oh, good question. Very good question. Politics is everywhere. I tell you what. Even if I pick sports, na, उसमें भी politics आ जाएगी। होता है, हर जगह politics होती है। So दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। लेकिन यह जाहिर है मैं कुछ स्पोर्ट्समैन तो हूँ नहीं है, तो मैं तो फिर politics ही politics के साथ जाएंगे। माहिरा या महवेश? दोनों से मेरी बड़ी अच्छी है दोस्ती है, सलाम दुआ है। दोनों के साथ काम नहीं, महवेश के साथ तो किया हुआ है, मायरा के साथ नहीं किया। लेकिन ये है कि एडवर्टाइजिंग में था ना मैं, तो चले कोई एक चले महवेश कर ले। अच्छा जी महवेश, ठीक है जी। फुटबॉल या क्रिकेट? फुटबॉल या क्रिकेट? क्रिकेट ऑफ कोर्स, आसान क्वेश्चन है। लॉर्ड्स या एमसीजी? ओह गुड, आई हैव बीन टू लॉर्ड्स। मैंने मिसबाह उल हक ने जो सेंचुरी की थी, मैं वो लॉर्ड्स में मैंने वो मैच देखा था, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं दूसरा एमसीजी गया नहीं हूँ, लेकिन जब एमसीजी वैसे बाय द वे जो मैचेस आते हैं एमसीजी का एक अपना होता है, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं हूँ। लेकिन आई वुड पिक लॉर्ड्स। नवाज शरीफ या जरदारी? आप बताएं, नवाज शरीफ या जरदारी? आपने बताया, वो कहते हैं आज होस्ट में हूं। एक ऑप्शन होता है या इनमें से कोई नहीं। नहीं, इनमें से कोई नहीं वाली कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करें। चले नवाज शरीफ कर लेते हैं। बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग। बैटिंग, हां बैटिंग। सनसेट या सनराइज? सनराइज ऑफ कोर्स। फेवरेट समर एक्टिविटी क्या होती है आपकी गर्मियों में? गर्मियों मुझे पसंद है। वैसे गर्मियों में एक तो दिन बड़ा होता है तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है काम का। लेकिन एक्टिविटी यही है कि ये जो हमारे जंगल है ना, ये मार्गला के पीछे, इधर शाम को बस चला जाऊँ वॉक करने, ट्रैकिंग करने, हाँ ये एक्टिविटी गर्मियों में बहुत पसंद है। और सही पसीना निकले और सही प्यास लगे, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, रमज़ान में ख़ास तौर पर इफ्तारी से पहले जो 2 घंटे ये जंगल में जाके वॉक करने का मज़ा ही आ जाता है। अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ 3 वर्ड्स? ये है कि मैं अपने आप को बस, वो कहते हैं ना सिंपलिसिटी इज़ द न्यू फैशन, ये मैं कह सकता हूँ। मैं सिंपल रहना चाहता हूँ और
रहने की कोशिश करता हूँ। केपीएल के बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा है, वाइब एक क्रिएट हुई है, लोग बातें कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं लोग, और कश्मीर के साथ क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं, कश्मीर शाहरा गया पाकिस्तान की, तो एक फीलिंग इमोशनल फीलिंग भी है। इसलिए कह रहे हैं कि आपको, आपके लिए दुआएं ढेरों के कामयाब हों, क्योंकि ये कामयाब होना इस प्लेटफॉर्म का बहुत ज़रूरी है। केपीएल की टीम बड़ा शानदार काम कर रही है और आई विश देम ऑल द बेस्ट। लगता यह है कि ये बड़ी लीग बनेगी और ख़ास तौर पे कश्मीर की जो कॉज है उसको उठाने में ये बहुत बड़ा आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है केपीएल का। दिस विल डू वंडर्स। ये कमाल की ऑर्गेनाइजेशन आपकी चल रही है, आपके पास तगड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, टॉप सेलिब्रिटीज़ आपके साथ हैं क्रिकेट की, जो कि आपकी टीम्स के कैप्टन्स भी हैं, कोचेस भी हैं। बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। शायद अफरीदी भी मुझे बता रहे थे कि वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। कश्मीर की आवाम को कहाँ देखते हैं आपके अपील के लिहाज से? कश्मीर देखे ना, ये जो क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप इस कॉज को बहुत प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया क्रिकेट पर, टीवी ब्रॉडकास्ट की वजह से मैसेज ग्लोबल जाती है। तो कश्मीर प्रीमियर लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो कश्मीरियों की आवाज़ जो है, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ जो है, वो दुनिया तक लेके जाएगा। एक अच्छी कश्मीर कॉज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने का एक नादर मौका है ये प्लेटफॉर्म जो केपीएल के नाम से है। आवाम को, देखने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे केपीएल के हवाले से भी और जो सिचुएशन आजकल चल रही है उस हवाले से? देखिए, क्रिकेट जुनून है सबका और क्रिकेट से सबका ताल्लुक भी है, सब देखते भी हैं, और पाकिस्तान का क्रिकेट जो है वो पैशन है। तो केपीएल को सपोर्ट करें, क्योंकि क्रिकेट उठेगी तो पाकिस्तान की मैसेज जाएगी। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म बन गया और जो पाकिस्तान की जितनी भी जगह, हमने दुनिया को पाकिस्तान की रियल साइड दिखानी है, असल शक्ल पाकिस्तान की जो परसेप्शन है बाहर उसको तब्दील करना है। वो गलत परसेप्शन है, हमने कोई पॉजिटिव साइड या कॉस्मेटिक अप्रोच नहीं लेना है, हमने रियल साइड जो असल है वो दिखाना है दुनिया को, और उसके लिए क्रिकेट और जो केपीएल है एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, जब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और खेलो आज़ादी से। कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। Hopes.